नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार गर्भवती महिलाओं को लेकर पुष्टाहार पोषण तत्व दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह खबर आपको दिखा रहा हूं, और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार एवं गर्भवती महिलाओं को यह पुष्टाहार पोषण तत्व जो है लगातार आशा बहू और जो है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा विशेष तौर से लोगों को मुहैया कराया जा रहा है गांव में। यह लगातार आप देख रहे हैं, उठो जागो नई दिशा नई, जिस तरह से आप देख रहे हैं या जो वीडियो में आज शूट किया हूं, आप इससे देख सकते हैं कि इनके पास दो बच्चियां हैं, और एक ढाई साल का और एक जो है डेढ़ महीने का। तो इन्हें दो जो है मिला हुआ है। आपको बता दूं क्या क्या सामग्रियां मिला हुआ है, और आज के डेट में ही मिला है। तो आप देख सकते हैं, एक किलो गेहूं के दलिया, उसके बाद आधा किलो भी गेहूं के दलिया मिले हैं। तो ये दूध मिलाकर जो है इन बच्चों की माँ जो होती हैं वो पीती हैं, इससे पुष्टाहार स्वस्थ जीवन के साथ आगे बढ़ती है। वहीं पर आपको बता दूं, एक किलो चना का दाल, उसके बाद जो है आधा किलो चना का दाल यानी डेढ़ किलो चना का दाल मिला हुआ है। और ये भी आपको बता दूं कि आज जो है आधा किलो सरसों का तेल जो है ये भी मिला हुआ है। तो ये जो है तीन चीज़ें मिला हुआ है, डेढ़ किलो गेहूं की दलिया, और डेढ़ किलो चना का दाल, और आधा किलो सरसों का तेल, जो कि जो बालक हैं इन्हें जो है सरसों का जो है तेल आधा किलो मिला है। तो यह सब जच्चा बच्चा स्वास्थ्य के लिए सब यह उत्तर प्रदेश सरकार बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा यह निर्मित कराया जा रहा है गांव-गांव में। जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो यह योजना बेहतर ही सर्वोत्तम है और बहुत ही प्रशंसनीय योग्य है। जहाँ पर आपको बता दूं कि विभिन्न जो है भारत सरकार और राज्यों की सरकार महिलाओं को बच्चियों को लेकर काफ़ी गंभीरता के साथ आप देख रहे हैं कि विभिन्न तरह की योजनाएं भी चल रही हैं। वहीं पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है बच्चियों को जो है टैब दे रही है, मोबाइल दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम हैं वहाँ पर, जहाँ पर देख सकते हैं कि भारत सरकार और राज्यों की सरकार कोरोना काल में लोगों को काफ़ी मदद किया है, जैसा कि गेहूं, चावल और जो है विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थ के अनुसार आप देख सकते हैं। तो वहीं पर आप देख रहे हैं, या आज जो है 11 मई 2022 है, और केवल ICDS पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा गर्भवती महिलाओं को यह दिया जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात ये होती है कि कुछ स्वास्थ्य के लेकर महिलाओं को, बच्चियों को और विभिन्न तरह के जो है यह योजना चलाई जा रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को बताना चाहता हूं कि और भी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाने की ज़रूरत है। जिस तरह से महिलाएं पीछे हैं और इन महिलाओं को जो है आगे बढ़ाना है, तो हम सभी को कंधों से कंधा मिलाकर साथ चलना होगा। महिलाओं को कमज़ोर न समझें, महिलाओं को एक अच्छी और उन्हें इज्जत मान सम्मान का बेहद परंपरा के साथ आगे होना चाहिए। और जिस तरह से चांद तारों पर जा रही हैं, अपने बच्चियों को भी इन्हें संस्कार दें, अच्छा रीति रिवाज के साथ आगे बढ़ाएं। तो फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।